नमस्कार, स्वागत है आपका विंध भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। पांच उल्लू, 10 उल्टे पंख वाले मुर्गे और गोरोचन से लोगों को धनवान बनाने वाला करोड़पति बाबा और उसका बेटा फरार है। दोनों तंत्र क्रिया से जमीन में गड़ा धन निकालने का लालच देकर लाखों रुपए का फ्रॉड कर चुके हैं। मजदूरों से लेकर व्यापारियों तक को अपना निशाना बनाया है। आरोपी बाबा पूजा पाठ कर लोगों के घरों पर खुदाई कराता था। खुदाई में एक बर्तन निकालता था जिसमें धन होने का दावा कर खास मुहूर्त में खुलवाने का झांसा देता था। अलग अलग पूजाएं करने के नाम पर लोगों से पैसे ऐंठता रहता था। ज्यादा समय होने पर जब लोग उससे पैसे वापस मांगते तो वह झूठे केस में फंसाने की धमकी देता और चेक बाउंस जैसे नोटिस भिजवाने लगता था। काला जादू करके मरवाने की बात भी कहता। ठगी का शिकार हुए कुछ पीड़ित पुलिस के पास पहुंचे और शिकायत की। पुलिस ने एक मामले में प्रकरण दर्ज किया तो 18 अन्य पीड़ित भी थाने पहुंच गए। पता लगा कि आरोपी 4 साल से यह काम करता आ रहा है। आरोपी बाबा देवी सिंह रजक 38 साल का है। पथरिया का रहने वाला देवी मध्यम वर्गीय परिवार से है। वह शुरू से ही पूजा पाठ करता था। 6 से 7 साल पहले सागर के सिविल लाइन रोड पर गोलगप्पे और चाउमीन की दुकान शुरू की थी। कोरोना काल के बाद पथरिया शिफ्ट हो गया। यहां ओजस्वनी कॉलेज के सामने किराए की दुकान में चाउमीन की दुकान शुरू की। 2020 में अचानक देवी सिंह ने एक कॉलोनी में आलीशान मकान बनवाया, कार खरीदी, उसका रहन सहन बदल गया। यह देख गांव के लोग भी हैरान थे। सागर के बल्लभ नगर वार्ड में रहने वाले दीपेश पिता गणेश प्रसाद सेन ने सिविल लाइन थाने में शिकायती आवेदन दिया, जिसमें बताया, मैं बिजली विभाग में ठेकेदारी का काम करता था। फिलहाल सिंधी कैंप में चाट का ठेला लगाता हूँ। आर्थिक रूप से परेशान होने की बात ऋषभ रजक को बताई थी। ऋषभ ने मुझसे कहा, मैं तुम्हें एक व्यक्ति से मिलवाता हूँ जो तुम्हारी सारी परेशानी हल कर देगा। उसने मुझे दिसंबर 2023 में देवी सिंह रजक से मिलवाया। देवी अपने घर में दिवाला, पूजा पाठ करने का स्थान बनाए था। उसे मैंने पैसों की तंगी की समस्या बताई और हल पूछा। उसने मुझे 4 लौंग दी, कहा एक लौंग तत्काल खा लो। मैंने लौंग खा ली जिससे मेरा सिर चकराने लगा और शरीर सुस्त पड़ गया। उसने बताया कि उसके बेटे कृष्णा रजक को कजरी लगती है जिससे गड़े धन का पता करके उसे निकाल लेते हैं। जनवरी 2024 में एक रात करीब 9 बजे देवी सिंह रजक और उसके 18 वर्षीय बेटे कृष्णा ने मुझे, मेरे मित्र दिनेश पटेल और गंगा अहिरवार को खुरई रोड पर बुलाया। यहाँ प्रसाद में मिठाई खाने को दी। इसे खाकर हम तीनों सुदबुद्ध खो बैठे। यहाँ फिर मेरे मकान में खुदाई कर गड़ा धन निकालने की बात कही। दीपेश ने बताया, एक दिन देवी सिंह ने मुझे गुंड सौंपी और बोला, इसे घर ले जाओ, इसे खोलना नहीं, अभी मुझे वैष्णो देवी दर्शन के लिए जाना है। मैं लौटकर तुम्हारी सारी समस्याएं हल कर दूंगा। लौटकर मुझसे मिला और बोला, कुछ दिन रुकना पड़ेगा, अभी गुंड नहीं खोलना। इस बीच पूजा पाठ के नाम पर उसने मुझसे 10.95 लाख रुपए ऐंठ लिए। मैंने पिकअप वाहन बेचकर रुपए देवी को दिए थे। बार बार ऐसा बोलने पर मुझे शक हुआ। घरवालों के कहने पर मैंने गुंड खोली तो उसमें कुछ जेवर निकले। सुनार से चेक कराया तो वह नकली थे। मैं समझ गया कि देवी सिंह ने मुझे ठग लिया है। मैंने उससे पैसे मांगे तो वह धमकाने लगा। इसके बाद मैंने सिविल लाइन थाने में प्रकरण दर्ज कराया। आर्थिक तंगी और अन्य समस्याओं से परेशान लोग किसी परिचित के माध्यम से देवी सिंह से मिलते थे। जैसे ही लोग उससे मिलने जाते, वह लौंग, प्रसाद या चाय देता था, जिसके सेवन से लोग मदहोश हो जाते थे। वह उन्हें गड़ा धन निकालने का लालच देता था। देवी जी की पूजा कर धन की लोकेशन बताता था।
झांसे में लेने के बाद गड़ा धन निकालने के लिए पूजा पाठ सामग्री के नाम पर पैसों की मांग करता था। पैसे मिलने के बाद वह पूजा पाठ कर घर में गड्ढा खुदवाता और एक बर्तन निकालता था। इसमें धन होने का दावा करता था, लेकिन वह बर्तन खोलता नहीं था। शुभ मुहूर्त और पूजा के बाद बर्तन खोलने की बात कहता था। बर्तन खोलने के नाम पर भी वह कई बार पैसे ऐंठता था। जब संबंधित व्यक्ति को संदेह होता था तो वह पैसे वापस मांगता। इसके बदले आरोपी उसे झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर भगा देता था या फिर तंत्र क्रिया कर परेशान करने का बोलता था। देवी सिंह लोगों से पूजन सामग्री के नाम पर पैसे ऐंठता था। कभी बोलता था कि पूजा में गोरोचन लगेगा जो बंगाल में मिलेगा, उसे लाने के लिए रुपए चाहिए, तो कभी कहता था कि उल्लू और उल्टे पंख के मुर्गे पूजन के लिए चाहिए। इनकी व्यवस्था संबंधित व्यक्ति आसानी से नहीं कर पाते थे। ऐसे में आरोपी स्वयं व्यवस्था करने का बोलकर पैसे ले लेता था। दीपक अहिरवार ने पुलिस को की गई शिकायत में बताया, नवंबर 2020 में देवी सिंह रजक के घर पथरिया जाट में टाइल्स लगाने का काम करने गया था। काम खत्म हुआ तो देवी सिंह ने कहा, तुम्हारे घर पर कुछ माया है। वह मुझे देवी मंदिर ले गया, दूसरे दिन मेरे घर आया और सामग्री मंगाकर पूजा की, नारियल लेकर घर में घूमने लगा। इसके बाद मुझे नारियल पर बैठाकर अगरबत्ती घुमाता रहा, कहने लगा कि लक्ष्मी माता की फोटो में जो बर्तन है वही बर्तन घर में है, इसके लिए पूजा में 51,000 रुपए लगेंगे। अमावस्या के दिन उसे पैसे दिए तो बोला, मुझे भरोसा था कि तुम पैसों की व्यवस्था कर लोगे, मैंने पूजा का सामान मंगवा लिया है। इसके बाद रात करीब 10 बजे वह मेरे घर आया और पूजा करने लगा, घर के पीछे गड्ढा खोला, परिवार के सभी मोबाइल बंद करा दिए, महिला और बच्चों को ऊपर के कमरे में जाने का बोला, गड्ढा खुदवाने के बाद पीतल का बर्तन निकाला। उसने कहा कि बर्तन मेरी वैष्णो माता के दरबार में लेकर चलो। जब लेकर हम वहां गए तो बोला, दो दिन बाद तुम आ जाना, मैं शुद्धिकरण कर दूंगा। 21 दिन बाद पूजा के नाम पर फिर 31,000 रुपए मांगे, जिसके बाद बोलने लगा कि माता को सोने के कंगन बनवाना है, बाइक और मोबाइल गिरवी। दीपक अहिरवार ने कहा, देवी सिंह इसके बाद बेटे कृष्णा रजक के साथ घर आया, कृष्णा को दिया में कजली लगाई, पूरे घर की लाइट बंद करवा दी। इस दौरान कृष्णा कहने लगा कि यहाँ पर बहुत हड्डियाँ और नर कंकाल दिख रहे हैं, महाकाली दिख रही हैं। कृष्णा ने कहा, अभी नहीं हो पाएगा तुम्हारा काम, महाकाली बोल रही है कि अभी बर्तन को छूना भी मत। इसके बाद लाल कपड़े में सोने के कंगन बंधवा कर गड़वा दिए। केस 2, सागर में काकागंज निवासी केटर अमर कोरी भी देवी सिंह का शिकार बन चुके हैं। उन्होंने पुलिस को बताया, वर्ष 2021 में मेरी मुलाकात अजय रजक से हुई, मैंने उससे बोला कि मेरा काम नहीं चल रहा है, परेशान हूँ। उसने मुझे अपने जीजा देवी सिंह रजक से मिलवाया। देवी सिंह पूजा करके बोला, तुम्हारे घर पर गड़ा धन है, बड़ी पूजा कर विधि से निकलेगा, इसमें 51 ग्राम सोना गड्ढे में रखकर सवा माह पूजा करनी होगी। घर में जो बर्तन गड़ा है उसमें 68 किलो सोना, चांदी, हीरा, कंकड़ और अन्य कीमती सामान है। पूजा के लिए 50 ग्राम गोरोचन लगेगा जो बंगाल में मिलता है, इसकी कीमत 3.50 लाख रुपए है, 20,000 रुपए आने जाने का खर्चा। अमर कोरी ने बताया कि 13 अक्टूबर 2021 को देवी ने हमारे घर पर गड्ढा करवाया, जिसमें से पीतल का बड़ा बर्तन निकाला गया। देवी सिंह ने कहा कि इस बर्तन को मैं अभी नहीं खोलूंगा, इसमें शक्तियों की सवारी है, इसमें पूजा का सामान लगेगा। अमर ने कहा, इसके बाद देवी सिंह ने 5,51,000 की व्यवस्था करने की बात कही। तब तक हम लोगों को विश्वास हो चुका था तो मैंने पैसों की व्यवस्था कर दी।
पैसे लेकर देवी सिंह बोलने लगा, अभी मुहूर्त नहीं है, पूजा का सामान आने के बाद बर्तन खोलेंगे। 2 माह बीत जाने के बाद हमने बोला, गुरुजी बर्तन कब खुलेगा, तो उसने कहा अभी 2 बर्तन और हैं, उनको निकालने के बाद सभी एक साथ खुलेंगे। 20 दिसंबर 2021 को मेरे घर पर फिर गड्ढा कराया तो बस्ती के लोगों ने थाने में शिकायत की। शिकायत पर पुलिस आई थी लेकिन उसने गुमराह कर उन्हें वहां से भगा दिया। केस 3। मूर्तिकार राजा प्रजापति ने बताया, दोस्त विशाल रजक के घर पर देवी सिंह रजक से मिला, जहां उसने बोला कि एक जगह से गड़ा धन निकला है जिसकी कीमत 90 लाख रुपए है, उसे तुम्हें 41 दिन तक अपने घर पर रखना होगा, मैं तुम्हें आधा धन दूंगा, तुम्हें बस 4 लाख रुपए देने होंगे। मैंने 1.5 लाख रुपए उसे दिए। उसने एक स्टाम्प लिखवाया और वीडियो बनाया, फिर 4 लाख रुपए के नोट लाल कपड़े में और एक घड़ा काले कपड़े में बांध कर दिया। इन्हें मैं घर ले आया। राजा ने कहा, कुछ दिन बाद देवी एक लड़के को घर लाया और दरवाजे बंद कर लिए। 15 मिनट तक दरवाजे बंद रहे। पूरे घर में लोभान जलाने को कहा। कुछ देर बाद दरवाजा खोला और दिखाया कि पूरे कमरे में 500 से 500 के नोट फैले हुए हैं। इसके बाद देवी बाहर आया और दरवाजा बंद कर दिया, कहा दरवाजा बंद रहने देना, शाम 7 बजे आऊंगा, फिर तुम इन पैसों का उपयोग कर सकते हो। रात के 9 बज गए लेकिन वह नहीं आया। फोन लगाया तो रिसीव नहीं किया। मैंने दरवाजा खोला तो घर में 500 से 500 रुपए के नकली नोट फैले थे। संदेह होने पर अलमारी में रखे लाल कपड़े में बंधे पैसे खोल कर देखे। जैसे ही कपड़ा खोला तो उसमें नोटों की साइज में कागज के टुकड़े थे। मटके में बेंटेक्स के जेवरात और राख मिट्टी थी। देवी सिंह को जानकारी दी तो उसने मिलने बुलाया, जहां उससे रुपए वापस मांगे तो वह धमकाने लगा। 2.90 लाख रुपए की धोखाधड़ी का शिकायती आवेदन पुलिस में दिया है।